वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम आपको क्रोशिया का बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने क्रोशिया नंबर 9 लिया है, ये थोड़ा मोटा क्रोशिया है। और फ्रेंड्स देखिए, आप मैं जो बता रही हूँ ये एक हेयर बैंड है, आप अपनी प्यारी सी बच्ची के लिए बुन सकती हैं और सिर्फ दो ही रो बुननी है इसमें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे तो पहले हम चैन बुनेंगे। तो देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। देखिए 13 चैन बुनेंगे और इसके बाद 3 चैन एक्स्ट्रा बुनेंगे, एक दो तीन, फिर एक बल लेंगे और इस थर्ड में देखिए एक और दो को स्किप करके थर्ड वाली चैन में हमने इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया से बुनना है, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। देखिए इस तरह से देखिए मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। तो है आपके डबल क्रोशिया से आपने 14 टाइम बुनना है। तो देखिए एक चैन लगा के एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। तो देखिए हो गए हैं। अब हमने देखिए सेकंड रो जो बुननी है, सेकंड रो बुनेंगे, देखिए एक चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनने के बाद देखिए एक स्किप कर देंगे सेकंड में हमने यहाँ इस तरह से एक एक हमने ऑफ स्टिच बनाना है। तो एक दो तीन चार इस तरह से देखिए चार बार का लेंगे और इन्हें इस तरह से बुन देंगे। फिर इसके बीच में एक चैन का गैप डालेंगे, फिर बल लेंगे, फिर इसी चैन में हमने दोबारा से एक पफ स्टिच और बनाना है, एक दो तीन चार। तो देखिए चार बार का फिर से हमने पफ स्टिच बनाया और इसे इस तरह बुन देंगे, ये देखिए इस तरह। फिर इसके बाद एक बल लेंगे और एक स्किप करके देखिए यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात। देखिए डबल क्रोशिया से हमने देखिए बीच में 7 बार बुना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात। फिर हमने क्या करना है देखिए, फिर हमने एक बल लेना है और एक स्किप करके यहाँ सेकंड में हमने फिर से पफ स्टिच लेना है, एक दो तीन चार और इसको इन सबको एक साथ बुनना है इस तरह। फिर बीच में एक चैन का गैप, फिर दोबारा से हम यहाँ पे दोबारा से पफ स्टिच डालेंगे, एक दो तीन चार
और इन्हें इस तरह बुन दीजिए। फिर देखिए यहां से डबल क्रोशे से इसे इस तरह से देखिए हमारी सेकंड रो भी देखिए कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो बुनेंगे। देखिए थर्ड रो एक चैन बुनिए, इसके बाद आपने देखिए यहाँ एक बार सिंगल क्रोशे से बुनिए, दो बुन लीजिए, फिर ये तीन चार, चार के बाद देखिए यहाँ अब जो आपने सात बुना था ना, ये जो का फर्स्ट है यहाँ, ये पांच, पांच के बाद फ्रेंड्स देखिए आपने क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, देखिए दस चैन बुननी है इस तरह से। और दस चैन बुनने के बाद आपने देखिए अब हर चैन में आपने इस तरह से फंदे लेने हैं, एक दो, दो के बाद देखिए तीन चार पांच छः सात, सात के बाद आठ और ये नौ, देखिए इस तरह से नौ फंदे बन गए हैं। और एक लगा के दस, दो चार छः सात आठ नौ, और एक पहले से था दस फंदे बन गए। अब आपने देखिए क्या करना है, पहले एक बुनेंगे इस तरह, फिर आपने देखिए दो फंदों को एक साथ हर एक में से इस तरह से निकालना है आपने, ये देखिए इस तरह। तो इस तरह बनेगा, फिर आपने क्या करने से इस तरह छोड़ना है। और जो आपकी चैन थी यहाँ, देखिए यहां से इस वाले फंदे को इसके अंदर से निकाल लीजिए इस तरह। फिर आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपने यहाँ बुना था, अब आपने देखिए ये जो है आपका लास्ट वाला यहाँ, यहाँ आपने इसको सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। तो देखिए ये इस तरह से आएगा। फिर आपने क्या करना है, ये देखिए आपने फिर देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से दो हो गए, तीन हो गए, ये चार हो गए और ये पांच, इधर लास्ट देखिए इधर भी पांच थे, इधर भी पांच और ये बीच में हमारा बहुत प्यारा सा देखिए डिजाइन बन गया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद एक बन लेंगे और ये देखिए जो बीच में पफ स्टिच के बीच में यहाँ, यहाँ हमने फिर से पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन चार, और अब इन सबको एक साथ बुनेंगे इस तरह, फिर बीच में एक चैन का गैप डालेंगे, फिर से दोबारा इसी में पफ स्टिच डालेंगे, एक दो तीन चार और इस तरह से, ये देखिए। फिर आपने क्या करना है, देखिए आपने एक चैन बुननी है और एक चैन बुनने के बाद आपने देखिए यहाँ फिर से आपने डबल क्रोशे से सेवन टाइम बुनना है, एक दो हर चैन में बुनिए, तीन चार पाँच छः सात, और सात के बाद एक बल लीजिए, एक चैन के बाद एक बल के बाद देखिए यहाँ आपने फिर से पफ स्टिच डालना है, एक दो तीन चार, और अब इन चारों को इस तरह से, फिर बीच में एक चैन का गैप, फिर से दोबारा से पफ स्टिच, एक दो तीन चार और इस तरह से पफ स्टिच बनाइए।
तो इस तरह से दो पफ स्टिच एक ही चैन में रहेंगे। फिर आपने एक बल लेना है और यहाँ इस तरह से, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर रो भी देखिए मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब देखिए फिफ्थ रो जो बुनेंगे, आपने एक चैन बुननी है और इसे पलटना है। पलटने के बाद आपने देखिए हर चैन में आपने सिंगल क्रोशे से भी बुनना है, एक दो तीन चार पांच इस तरह से। फिर देखिए फ्रेंड्स आपने बुनने के बाद यहाँ तक आप आ जाएंगी, फिर आपने यही बनाना है डिजाइन। तो देखिए फिर से 10 चैन बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ 10। 10 के बाद देखिए हर चैन में आपने इस तरह से फंदे बनाने हैं, एक दो तीन, तीन के बाद देखिए चार पांच छः सात आठ नौ और एक के लेके 10 हो गए। फिर आपने देखिए इस तरह से हर चैन में से बुनना है आपने। और देखिए ये जो चैन थी आपकी, इस चैन में से इस वाले फंदे को इसके अंदर से बुन लीजिए। और बुनने के बाद देखिए यहाँ यहाँ बुना था, अब आपने यहाँ लास्ट में जो डबल क्रोशे से बुना हुआ है 7, इसमें आपने इसको इस तरह से जोड़ना है। फिर आपने देखिए इस तरह से बहुत प्यारा सा देखिए डिजाइन बनता जा रहा है। फिर एक बन गया आपका, ये देखिए दो तीन चार पांच और ये छः, जैसे इधर था। बस फ्रेंड्स इसी तरह से आपने इसे रिपीट करना है, ये देखिए बहुत प्यारा सा। आप इसकी एक पट्टी सी बना लीजिए रिपीट करते हुए, सिर्फ आपने 2 रो रिपीट करनी है और एक बहुत खूबसूरत सा आपका हेयर बैंड तैयार हो जाएगा, सर पे बांधने वाली पट्टी तैयार हो जाएगी देखिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।